हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के, जैसा आपको पता रहेगा, तीन मेथड है। एक है ट्रेपेजोइडल रूल, एक है सिम्पसन्स 1/3 रूल और एक है सिम्पसन्स 3/8 रूल। समझ में आ गया ना, इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के तीन तरीके। आज जो तरीके की हम बात करेंगे उसका नाम है सिम्पसन्स 1/3 रूल। अच्छा, जो लोग आज का लेक्चर पहली बार देख रहे हो, ये टॉपिक पहली बार देख रहे हो, जिन लोग ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है ट्रेपेजोइडल रूल, उनको थोड़ा सा भारी पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोग पहला वाला वीडियो देखो ट्रेपेजोइडल रूल का, उसमें सब बेसिक्स मैंने कवर किया हुआ है। इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने बताया, तो आप देखो अच्छे से ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर आप नहीं देख रहे हो, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। ये सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या है पता है क्या? ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है न्यूमेरिकल। समझ में आ गया ना? तो सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या करेगा? तो भाई इंटीग्रेशन को सॉल्व करेगा। कैसे? तो ध्यान से देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है a टू b f ऑफ x dx, अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है a टू b f ऑफ x dx और इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने का थ्रू सिम्पसन्स 1/3 रूल। एक तरीका तो आता है अपन को यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो सीखे है, लेकिन अपन वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करने का, न्यूमेरिकली सॉल्व करने का है। अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करने का तो तीन तरीके है। सिम्पसन्स 1/3 रूल की बात कर रहा हूं, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या पता है क्या? इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या पता है क्या? फॉर्मूला है। सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या है? इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान से देखो क्या है। अगर सिम्पसन्स 1/3 रूल से इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है, फंक्शन ए टू बी लोअर लिमिट अपर लिमिट या इंटीग्रेशन दिया आपको सॉल्व करने का, तो फॉर्मूला है एच अपॉन 3 एक्स प्लस 4 ओ प्लस 2 ई। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोग को आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का? भाई एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, एक्स की वैल्यू, ओ की वैल्यू और ई, ये 4 और 2 तो ऐसे ही रहेगा। ये चार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोग को आंसर आएगा। अच्छा, ये चार वैल्यू क्वेश्चन में दिखाई दे रहा नहीं, क्वेश्चन में तो स्मॉल ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एच नहीं है, ओ नहीं है, ई नहीं है, एक्स नहीं है। तो क्या करना पड़ता है पता है ना? ये सारी वैल्यू आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, ये फाइंड आउट करने से पहले समझ लेते ना भाई h है क्या, x है क्या, o क्या है, e क्या है। तो ध्यान से देखो, h h होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज याद रहेगा, h बोले तो क्या होता है? स्टेप साइज। स्टेप साइज बोले तो दो x के वैल्यू के बीच का डिफरेंस, उसको बोला जाता है स्टेप साइज। दो x की वैल्यू है उसके बीच में कितना डिफरेंस है वो होता है स्टेप साइज। अच्छा, आप ध्यान से देखो, h h क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको फाइंड आउट करने का रहेगा। फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n। ध्यान से देखो, ये सब में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। h अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n। b कहां से मिलेगा आपको? अपर लिमिट। a कहां से मिलेगा आपको? लोअर लिमिट। नाउ व्हाट इज n? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंटरवल। n होता है नंबर ऑफ इंटरवल। समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान से देखो ना, a और b आपको कंपल्सरी दिया रहेगा, क्योंकि टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट फंक्शन दिया रहेगा, तो a और b का टेंशन ही, आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है n नंबर ऑफ इंटरवल का। अच्छा, नंबर ऑफ इंटरवल के लिए दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो नंबर ऑफ इंटरवल क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा या तो मेंशन नहीं होगा। अच्छा, अगर नंबर ऑफ इंटरवल मेंशन है, फॉर एग्जांपल से नंबर ऑफ इंटरवल 5 है, 6 है, 7 है, तो आप लोग उसको यूज करो जो दिया हुआ हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ इंटरवल मेंशन नहीं है तो आपको अज्यूम करना पड़ता है। प्लीज याद रहेगा मैं क्या बता रहा हूं। ए और बी का देखो फॉर्मूले में एच की जरूरत पड़ेगी। एच है बी माइनस ए अपॉन एन। B और A दिया रहेगा, N का प्रॉब्लम है, कभी दिया रहेगा कभी नहीं दिया रहेगा। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अज्यूम करो। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या पता है ना, आप लोगों को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कितने तरीके हैं? तीन मेथड है आपके पास, और तीनों में N को अज्यूम करने का तरीका अलग है। ट्रेपेजोइडल रूल में मैंने बता दिया था, मैं अभी नहीं बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं सिम्पसन्स 1/3 रूल की। सिम्पसन्स 1/3 रूल में अगर आपको n नहीं दिया हुआ है तो आपको n अज्यूम करना पड़ेगा। n क्या अज्यूम करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। नोट, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, नोट। इफ n इज नॉट गिवन,
देन एज्यूम इवन वैल्यू ऑफ एन। समझ में आ रहा है? अगर सिंपसन्स वन थर्ड रूल में एन आपको नहीं दिया हुआ है तो एन आप लोग अज्यूम कर सकते हो, लेकिन क्या इवन वैल्यू। एग्जांपल आप लोग एन अज्यूम करो 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इवन वैल्यू अज्यूम करना पड़ता है। आप लोग बोलोगे सर 2 भी तो इवन वैल्यू है, लेकिन अगर आप लोग ने एन 2 इवन वैल्यू सिलेक्ट किया चलेगा, लेकिन है ना आपका टेबल है ना बहुत छोटा बन जाएगा। समझ में आ गया ना? अगर 4 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल से डिप्लोमा वालों के लिए 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, डिग्री वालों के लिए तो 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही है। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है और नंबर ऑफ इंटरवल 2 तो टेबल छोटा सा बनेगा, उसके लिए इतने सारे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज मिनिमम एन का वैल्यू 4, 6 या तो 8 अज्यूम कर सकते हैं। बेस्ट होगा 4 और 6, सब में बेस्ट होगा 6। समझ में आ गया? तो आप लोग देख लेना जैसा भी है। तो याद रहेगा एच का मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, अब आपको एच का टेंशन नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स क्या होता है, ओ क्या होता है, ई क्या होता है। ध्यान से देखो एक्स, एक्स क्या होता है पता है क्या? एक्सट्रीम। ध्यान से देखो, अभी मैंने एक्स तो बता दिया, एक्स क्या होता है, एक्स होता है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। अच्छा, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, सम तो याद रहेगा ना, सम बोले तो क्या होता है एडिशन, किसका एडिशन, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। ये ऑर्डिनेट्स क्या होता है मैं बता देता हूं, लेकिन पहले फटाफट मैं बता देता हूं होता क्या है। ओ, ओ होता है सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, और ई होता है सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। समझ में आ गया? याद रहेगा? तो मैंने सब बता दिया, टोटल 4 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। एक्स स्टेप साइज होता है, दिया है नहीं दिया है तो फाइंड आउट कर लेंगे। एन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बता दिया, एक्स होता है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, ओ होता है सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, और ई होता है सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। अच्छा, ये सब क्या होता है ध्यान से देखो, आपको अगर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टॉपिक सॉल्व करना है ना तो आप लोगों को ऐसा टेबल बनाना पड़ता है। इजी आ गया, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा ना क्वेश्चन, तो ऐसे टेबल बनाने को सीखेंगे। ध्यान से देखो, टेबल किसका बनता है, एक्स वर्सेस वाई, और वाई को एफ ऑफ एक्स भी बोला जाता है। तो एक्स और वाई का टेबल बनाया जाता है। समझ में आ गया? इधर एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर वाई की वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल से 5 अज्यूम करो, एग्जाम्पल 3, 7, 9, 10, 12। y की जो पहली वैल्यू है ना, ये y की पहली वैल्यू है, इसको y नॉट बोला जाता है। ये y1, y2, y3, y4 और y5। प्लीज याद रखो ट्रेपिजोडियल वन थर्ड, और इसके बाद में एक और मेथड है सिम्पसन 3/8 रूल, सबका तरीका सेम है। हर आपको टॉपिक में ये टेबल बनाना पड़ता है, y की पहली वैल्यू को y नॉट, y1, y2, y3 ऐसा बोला जाता है। अच्छा, ध्यान से देखो, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट्स, y की वैल्यू को बोला जाता है ऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से देखो प्लीज क्या है, सम ऑफ एक्स बोले तो सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, सम ऑफ एक्सट्रीम बोले तो सम में छोटा और सम में बड़ा बोले तो ये, तो फॉर्मूला कैसा आएगा पता है, एच अपॉन 3। ध्यान से देखो ये कंडीशन के लिए, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, देखो ये मिनिमम और मैक्सिमम, इसको एक्सट्रीम बोला जाता है, वाई नॉट प्लस वाई फाई, ये है आप लोगों का एक्स सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। प्लस प्लस है ना फॉर्मूले में, प्लस 4 ओ, ओ बोले तो सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ये वाई नॉट और वाई फाई हो चुका ना, उसको भूल जाने का, बचे हुए में से ऑड क्या है, तो भाई देखो ये ऑड है वाई वन और वाई थ्री, तो ये आएगा वाई वन प्लस वाई थ्री, ये हो गया आपका ओ सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। प्लस 2, फॉर्मूला देखो 2a का फॉर्मूले में, समझ में आ गया ना। अब e बोले तो सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, देखो ये 2 और 4 खत्म, सिंपल है। अब ये सारी वैल्यू डाल दो, एच तो आपको मिल गया रहेगा ये वाले फॉर्मूले से, वाई नॉट वाई फाई से सारी वैल्यू पुट अप करो, कैलकुलेटर पे आंसर आएगा, जो आंसर है डेट विल बी रिक्वायर्ड। इंटीग्रेशन इतना आसान टॉपिक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो भाई इस तरह से सॉल्व होगा सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। प्लीज ये जो मैंने फॉर्म में लिखा ना एच अपॉन 3x, ये सब समझने के लिए, एक्स बोले तो आप लोग बाहर कर लो, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, ऑड ऑर्डिनेट, इवन ऑर्डिनेट, समझ में आ गया? लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं, ये फॉर्म में अपन लिखेंगे, याद रहेगा प्लीज।
पक्का टेबल बनाने को सीखने का, मैं वापस से बता दूंगा टेबल कैसे बनाया जाता है, आप लोग ध्यान दो। मैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पे सम स्टार्ट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पे। देखो क्वेश्चन आप लोगों को कैसा दिया हुआ है। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स यूजिंग, देखो आपको एक इंटीग्रेशन दिया है जिसको आप लोग को न्यूमेरिकली सॉल्व करने का यूजिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। मेथड अच्छे से पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि एक ही तीन मेथड है ना इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए। अच्छा मैंने वन थर्ड ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग को कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा तो आप लोग याद रखो वन थर्ड है। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल बाय डिवाइडिंग इंटू फोर इक्वल सब इंटरवेल बोले तो आपको ये किसका वैल्यू दिया गया है, एन का वैल्यू दिया गया है। प्लीज मैं वापस बता दूं, अगर सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में एन का वैल्यू दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया हुआ है आपको अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करोगे, तो इवन वैल्यू अज्यूम करने का, समझ में आया ना, 2, 4, 6, 8 लेकिन 2 नहीं अज्यूम करने का, 4, 6, 8 वगैरह अज्यूम कर लेने का। 8 करोगे टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 करोगे टेबल बहुत छोटा हो जाएगा, 4 और 6 सिलेक्ट कर लेने का, समझ में आ रहा है। अच्छा एन का वैल्यू क्यों, तो एच का वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। ध्यान से देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सोल्यूशन सम में पहला जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है लिख लो, इन 0 to 2 ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, ये तो गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये इंटीग्रेशन को आप कंपेयर करो किससे, तो ध्यान से देखो कंपेयरिंग विथ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वी गेट, इसको कंपेयर करो जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करो किससे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा क्या है 0, आपको किसका वैल्यू मिलेगा, बी का वैल्यू मिलेगा क्या है 2, और आपको फंक्शन मिलेगा ई रेस टू माइनस एक्स, समझ में आ गया ना, ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, एफ ऑफ एक्स मिल गया। अच्छा ध्यान से देखो तरीका बता रहा हूं, सब में पहला जो भी इंटीग्रेशन दिया उसको लिखो, उसको कंपेयर करो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ए बी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालो। नाउ अब क्या करोगे, तो नाउ एच का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बी माइनस ए अपॉन एन, तो व्हाट इज बी, बी क्या है, बी तो है तुम्हारा 2, व्हाट इज ए, ए तो है तुम्हारा 0, व्हाट इज एन, एन तो है 4, बोले तो 2 अपॉन 4 बोले तो हाफ इक्वल टू 0.5, समझ में आ गया, तो h का वैल्यू आपको आ गया 0.5। अब ध्यान से देखो टेबल कैसे बनाते हैं, ना टेबल बनाने का काम करेंगे, और एक बार टेबल बन गया सम खत्म हो जाता है। आप लोग ध्यान से देखो प्लीज, अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि टेबल बनेगा, टेबल क्या वर्सेस क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई टेबल बनता है x वर्सेस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो बात एक ही है, x और y का टेबल बनेगा। अच्छा ध्यान से देखो सम बहुत आसान है प्लीज, x और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का टेबल बनेगा। अच्छा अब सब में पहले क्या इंपॉर्टेंट है बताया, x का वैल्यू निकले देगा, और एक बार x का वैल्यू लिख लिया ना ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बहुत आसान है, प्लीज ध्यान से देखो कैसे होता है। तो x का वैल्यू मेरे को बताओ क्या आएगा, x का वैल्यू, तो भाई x का वैल्यू देखो मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ये तो x का पता है कि 0 से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा, लेकिन 0 से 2 कैसा पहुंचेगा, समझ में आ गया, ये कौन बताएगा, बताएगा ये बताएगा आपका h। तो पहला वाला क्या है बताएगा, आपका वैल्यू 0 है, अब क्या करने का पता है ये 0 में h ऐड करने का, 0 प्लस 0.5 तो भाई 0.5 ये दूसरा वैल्यू आ गया। अब 0.5 वापस से इसमें h ऐड करो, 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा 1, अब 1 में वापस से आप लोग 0.5 ऐड करो तो ये कितना होगा 1.5, और वापस 1.5 में 0.5 ऐड करो कितना आएगा 2, समझ में आ गया। प्लीज याद रखो मेरे को x का मिनिमम वैल्यू पता था, मैक्सिमम वैल्यू पता था, लेकिन भाई 0 से 2 कैसे पहुंचने का, कितना डिफरेंस होना चाहिए दो x के वैल्यू के बीच में, तो ये h बताता है, h बोले तो स्टेप साइज होता है, दो x के वैल्यू के बीच में कितना गैप होगा, तो भाई 0.5 का, कैसे, तो पहला वाला वैल्यू लिखिए ना उसमें जो h है वो ऐड करने का, फिर इसमें h ऐड करने का, h ऐड h करते जाओ, और आप लोग चेक कर लो दो x के वैल्यू के बीच में 0.5 का गैप है, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच देखो, सही है। अच्छा इंटरवेल कितना बोला गया था लोगों ने, 4 इंटरवेल, देखो ना ये पहला इंटरवेल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इंटरवेल है।
अच्छा ये तो वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू निकालने का, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये तो बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं मैं देखो, तो थोड़ा सा रफ में बता देता हूं। आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स है। आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स। अब एक्स के जगह पे जीरो डालो, देखो ई रेस टू माइनस जीरो बोले तो ई रेस टू जीरो आंसर वन। समझ में आ गया ना, तो x के जगह पे जीरो डालो तो ये वाला वैल्यू मिलेगा। x के जगह पे इधर f फंक्शन में x के जगह पे 0.5 डालो, 1 डालो, कैलकुलेटर पे आप लोग सॉल्व कर देने का, आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखो, पहली वैल्यू वैल्यू है 1, दूसरी जब आप लोग पुट अप करोगे 0.5 तो 0.6064, इतना आसान है। फिर आप लोग 1 डालोगे तो 0.3676, इसकी वैल्यू है 0.2231, और जब 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0.1353। देखो आ गया आपको, तो टेबल ये बहुत आसान है। ब्रीज में बता रहा, टेबल में x का इंपॉर्टेंट है। एक बार x और x किसे मिलेगा, h है तो x का भी टेंशन नहीं, y तो बहुत आसान है, फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने का। समझ में आ गया, मैंने ये एक बताया, आप लोग सारी वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर लेने का, तो रफ में करो या तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में करके आप लोग पुट अप कर सकते हो। अच्छा पहले वैल्यू को क्या बोलेगा, वाई नॉट, ये हो गया वाई वन, ये हो गया वाई टू, ये हो गया वाई थ्री, और ये हो गया वाई फोर। अब ध्यान से देखो, नाउ बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, समझ में आ गया, फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, क्या होगा मेरे को बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो भाई फॉर्मूला था एच अपॉन थ्री, सही है ना, प्लस देखो वन, इसका फॉर्मूला क्या था पता है ना सिम्पसन्स का, ऐसा था कुछ एच अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर ओ प्लस टू ई, सही है ना। तो x बोले तो क्या होता है, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट बोले तो y 0 और y 4। देखो ये मैंने बोला ना एग्जाम में ये नहीं लिखने का, डायरेक्ट ये लिखने का, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट प्लस 4, ये हो गया ये हो गया। अब इसमें सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ओ है ना ऑड, बोले तो y 1 प्लस y 3 प्लस 2, अब ये भी खत्म हो गया। अब सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट बोले तो एक ही है इवन। अब आप लोग बोलो मत सर ये 4 भी तो इवन है ना, लेकिन ये तो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट में आ गया ना, तो एक बार जो आ गया वो नहीं लिखने का। अब क्या करो, सारी वैल्यू पुट अप करो, मेरे को बताओ एच कितना है, एच तो 0.5 है, 0.5 अपॉन 3। मेरे को बताओ वाई नॉट कितना है, तो वाई नॉट पहला वाला वैल्यू 1 प्लस वाई फोर कितना है 0.1353 प्लस 4, ये वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है भाई 0.6064 प्लस ये कितना है आपका y3 कितना है 0.2231 प्लस 2 y2 का वैल्यू कितना है 0.3676। समझ में आ गया, अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और फाइनली देखो आपको ये आंसर चाहिए था ना 0 to 2 e raise to minus x dx, ये वाला इंटीग्रेशन भी लिख दिया मैंने, तो therefore फाइनली जब आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे 0 to 2 e raise to minus x dx आप लोग को फाइनल आंसर आएगा 0.86475। समझ में आ गया, ये है आप लोगों का आंसर। तो मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया न्यूमेरिकली, कौन से मेथड से, सिम्पसन्स 1/3 से, ट्रेपेजोइडल 3/8 एग्जैक्टली रूल से, मैं बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। समझ में आ गया, मैं एक और एग्जांपल देता, पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, खाली थोड़ा सा समझा दूंगा, आप उसको पूरा क्या कर देना, सॉल्व कर देना, क्योंकि सारी चीजें और काम बहुत आसान है। समझ में आ गया, तो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको, तो ध्यान से देखो सिम्पसन्स 1/3 रूल, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल पे। देखो क्वेश्चन कैसा, ऑब्टेन बोले तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो 0 to 1 1 upon x plus 2 dx यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व करने का है। अच्छा तो ये इंटीग्रेशन तो हमेशा दिया हुआ रहेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, h वगैरह होना चाहिए, तो मेरे को बताओ h का फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n,
मेरे को बता क्वेश्चन में किधर नंबर ऑफ इंटरवल का जिक्र हुआ है क्या, किधर बताया गया? नहीं, नंबर ऑफ इंटरवल नहीं दिया हुआ है। तो वापस बता रहा हूं, नंबर ऑफ इंटरवल नहीं दिया है तो आप लोग अज्यूम करो क्या, तो वन थर्ड रूल में कंडीशन है नंबर ऑफ इंटरवल हैज टू बी इवन, नंबर इवन होना चाहिए। तो इवन बोले तो टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट, लेकिन मैंने बोला टू करोगे तो टेबल बहुत छोटा बन जाएगा, एट करोगे तो टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा। या तो आप टू ले सकते हो या तो आप लोग क्या ले सकते हो, सिक्स ले सकते हो, सॉरी। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर नंबर ऑफ इंटरवल टू होगा तो टेबल बहुत छोटा होगा, एट बना दिया तो टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग फोर या सिक्स में से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, मैं एन इक्वल टू फोर अज्यूम करूंगा, इवन नंबर, समझ में आ गया, आप सिक्स भी ले सकते हो। तो अब ध्यान से देखो प्लीज, सॉल्व करने का तरीका आप लोग को याद है ना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, सोल्यूशन जो भी इंटीग्रेशन दिया उसको लिख लेने का। कंपेयरिंग, कंपेयर करने का, कंपेयरिंग विथ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, वी गेट क्या होगा मेरे को बताओ, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू वन, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस टू। समझ में आ गया, ए मिल गया, बी मिल गया, एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब बात करेंगे किसकी, बताया ना, एच, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, बी तो है वन, माइनस जीरो अपॉन एन कुछ नहीं है बोले तो फोर, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है, समझ में आ गया ना, अज्यूमिंग एन इक्वल टू फोर। अब ये आ जाएगा कितना, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर बोले तो जीरो पॉइंट टू फाइव। अब नेक्स्ट है क्या पता है ना, आपको टेबल बनाना है, किसका टेबल बनाओगे, एक्स और वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पहला वाला वैल्यू आप लोग को पता है, पहला वाला वैल्यू कितना है, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वन। अब यहां कैसे पहुंचोगे, तो जीरो में 0.25 एच ऐड करो, फिर 0.25 में 0.25 ऐड करो, तो देखो 0.25। अब इसमें 0.25 ऐड करो तो 0.5, अब इसमें 0.25 ऐड करो तो 0.75, इसमें ऐड करो तो आंसर आएगा वन। अब एफ ऑफ एक्स आपको कैसे निकालने का पता है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, तो भाई वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये देखो आपका एफ ऑफ एक्स है। अब इसमें एक्स की जगह पे जीरो डालो, फिर 0.25 डालो, फिर 0.5, 0.75, फिर डालो वन, आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। फिर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो और आप लोग को आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। बस ये समय ये बताने का था, अगर नंबर ऑफ इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो फोर या सिक्स आप लोग अज्यूम कर सकते हो, इवन नंबर होना चाहिए, समझ में आ गया। तो ये था आपका सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, याद रहेगा आप लोगों को। तो ट्रेपेजोइडल हो गया, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मेथड की, सिम्पसन्स 3/8 रूल, समझ में आ गया पक्का। और वो लेक्चर मिस नहीं करना, नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना, रीजन क्या पता ना, 3/8 उसमें मैं बताऊंगा थोड़े बहुत, अगर अलग क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी बोला जाता है फाइंड एरर, तो भाई ये एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और एक आधा अलग अलग क्वेश्चन आता है, डिप्लोमा के लिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंजीनियरिंग डिग्री लेवल में ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट मेथड में, सिम्पसन्स 3/8 रूल में। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा, थैंक यू।